अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। कुछ ऐसा ही हुआ है नगला तासी निवासी 8 वर्षीय शिवम के साथ। पीआरडी दरोगा के रिवॉल्वर से चली गोली से शिवम का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन केएमसी हेल्थ सिटी के अथक प्रयास से न सिर्फ बच्चे की जान बच गई बल्कि आज पूरी तरह से सामान्य होने के बाद उसको घर रवाना भी कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने सर्जन सुनील गुप्ता व केएमसी स्टाफ का आभार व्यक्त किया है। नगला ताशी निवासी सोनी वाल्मीकि का 8 वर्षीय बेटे शिवम पड़ोस में पीआरडी दरोगा जयकर्ण के घर 12 जुलाई को खेल रहा था, तभी जयकर्ण के बच्चे से खेल खेल में गोली चल गई और वह सीधे शिवम को जा लगी। उसे मरणासन्न अवस्था में केएमसी हेल्थ सिटी लाया गया था। आज मेरठ बागपत रोड स्थित केएमसी हेल्थ सिटी में इस चमत्कार के बारे में मीडिया को बताया गया। शुरू में तो दिमाग बाहर आ रहा था, तो दिमागी बुखार का बहुत रिस्क होता है, तो हाई रिस्क केस था। शुरू से ही ऐसे 10-15% बच्चे ही बच पाते हैं, बच्चों में रिस्क और डबल हो जाता है एडल्ट के मुकाबले। इसके दिमाग का लेफ्ट साइड डोमिनेंट लोब जिसे कहते हैं वो डैमेज हुआ था। लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है, बोलने समझने का लैंग्वेज फंक्शन का कंट्रोल एरिया होता है। हमारा मेन मकसद पहले तो जान बचाना था, वेंटिलेटर से बाहर निकालना था। दिमाग की रिकवरी धीरे धीरे होती है, एक बार शुरू के 5-6 दिन निकल जाए तो बच्चों में फिर भी रिकवरी का चांस होता है, तो अभी उम्मीद है कि बच्चों में और रिकवरी धीरे धीरे होती रहेगी। दिमाग से सारी चीज़ों का कंट्रोल होता है, जो डैमेज हो गया वो हो गया, उसकी कोई भरपाई नहीं है, वो देर सवेर रिकवर होता है। हमारा काम होता है उसको मौका देना, जैसे रिकवरी अच्छी हो, उम्मीद है। अभी उसको एक साइड में फालिश का असर है, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है। वो जब ऑपरेशन से तुरंत बाहर आया था वो बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो बोल पा रहा है, क्योंकि पैरालिसिस से हम यही तो समझते हैं किसी अंग का कम काम करना, तो ऑलरेडी जो डैमेज हो चुका, जब चोट लगी तभी डैमेज हो गया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो उसको कम से कम कर सकते हैं, समय में ऑपरेट कर दिया, जान बचा ली, आगे का डैमेज बचा दी। 3-3.5 घंटे का ऑपरेशन जो मुझे लगा, बाकी बीओसी सेंट्रल लाइन सब बीओसी वाले डॉक्टर ने किया। देखिए बहुत कम ऐसे ऑपरेशन होते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद बच जाना ये एक बहुत सफलता की बात। का जो मेन ट्रिकी चीज़ है ना वो ये है कि इसका ब्रेन टिश्यू काफ़ी बाहर था बोन के फ्रैक्चर होने के बाद, उसके बाद बोन को रिपोजिट बैक टिश्यू को रिपोजिट बैक करके और जो डेंट निकालना या हेमेटोमा निकालना उसको निकालना, फिर इतना सेलेक्टिव होना है कि किसके निकलने में क्या हो सकता है। ये सबसे टेढ़ा काम ऐसे बच्चों को होता है कि, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रोकाज एरिया जो स्पीच एरिया होता है वो इफेक्टिव था, लेकिन अभी 1-2 दिन से बोलने भी लगा बच्चा, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मेरा क्या है। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ जो एक रिवाज है हॉस्पिटल्स में वो ये है कि अगर ब्रेन टिश्यू बाहर आ गया है, बड़े बड़े लोगों का भी एडल्ट का भी, वहाँ भी लोग मना कर देते हैं भाई कहीं और ले जाओ निकल जाए, लेकिन ये तो छोटा बच्चा था तो भी कहीं छोड़, तो इसलिए थोड़ा ये रिमार्केबल चीज़ है जो बच्चा बचा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।